नालंदा के सोनू की बिहार से लेकर मुंबई तक चर्चा है। तेज प्रताप यादव को करारा जवाब देने के बाद नालंदा के सोनू ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को भी अपने जवाबों में घुमा दिया है। सोनू सूद ने 11 साल के सोनू का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाने की बात कही थी। इसका जवाब देते हुए उसने कहा कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी बेहतर स्कूल में मेरा दाखिला नहीं करवाते हैं तो वह सोनू सूद जी के पास जरूर जाएंगे। बता दें कि पिछले दिनों सीएम नीतीश कुमार से अपनी बेहतर शिक्षा और एडमिशन कराने की मांग को लेकर सोनू सुर्खियों में आए थे। आपको बता दें कि सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा था कि सोनू ने सोनू की सुन ली भाई, स्कूल का बस्ता बांधिए, आपकी पूरी शिक्षा और हॉस्टल की व्यवस्था हो गई है। सोनू सूद ने स्कूल का नाम भी लिखा है। हालांकि सोनू सूद के इस ऑफर को 11 साल के वायरल बच्चे सोनू ने ठुकरा दिया है। इससे पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने अंडर में आईएएस बनकर काम करने की बात कही थी, तो सोनू ने हाजी जवाब देते हुए कहा था कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करूंगा। नीतीश कुमार के बाद तेज प्रताप यादव के साथ उनका ये वीडियो जमकर वायरल हुआ। बिहार के नालंदा के रहने वाले सोनू ने एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर कहा था कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है, उसकी मदद की जाए। सोनू ने बताया था कि वो आईएएस बनना चाहता है। सोनू ने मुख्यमंत्री के सामने और उसके बाद कई बार बिहार की शिक्षा व्यवस्था की कलई खोली। उसने बिहार में शराबबंदी की भी कलई खोली थी और कहा था कि मेरे पिता शराब पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है। सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी कक्षा 6 में पढ़ने वाले सोनू ने सवाल उठाए थे। सोनू ने बताया था कि उनकी फेवरेट सब्जेक्ट अंग्रेजी और इतिहास है। सोनू सूद के ऑफर पर वायरल बॉय ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मदद नहीं करेंगे तो हम सोनू सूद के पास जाएंगे। हम अभी कल्याण विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के ग्राम पहुंचे हैं और ये अभी लगता है मध्य विद्यालय है जो कि सभी स्कूल में रहता है और हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं। इसीलिए हम और हमको पापा जो हैं वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं सर। यस सर। कहाँ पढ़ाते हो? ऐसे ही पासवान नगर चौहरमल बाबा के नीचे। सीएम साहब क्या बोले? सीएम साहब बोले कि एगो आदमी वो शुरू बार आए और बोले कि क्या परेशानी है वो हम बताएं कि हमको ये शिक्षा की परेशानी है, शराब उराब जो है पापा पी लेते हैं, तो उसके बाद हम जो है ये कहें तो एगो आदमी थे उनसे हमको बोले कि वो बोले कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे।